हेलो दोस्तों, स्वागत है इस डॉन टेक्निकल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 5, 15,000 में टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ जनवरी। जनवरी के मंथ आप ले सकते हो या कभी भी ले सकते हो, पहले भी ले लिए हो शायद इन फ़ोन, क्योंकि ये पॉपुलर फ़ोन है। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक रीज़न है, वो रीज़न मैं लास्ट में बताऊँगा या बीच में ही बता दूँगा क्या रीज़न्स है बनाने का। और क्यों बता रहा हूँ कि 15,000 में कौन कौन सी फ़ोन लेना सही होगा या गलत होगा, कौन कौन सी फ़ोन लेना सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा 5 पोजिशन पर आता है, यानी 5 नंबर पर आता है, वो है Honor 8X। ग्लास बैक डिज़ाइन मिलता है और एक नॉच मिलता है सामने के साइड, डुअल कैमरा मिलता है और फ्रंट कैमरा भी अच्छा मिलता है। क्रिन का 710 प्रोसेसर मिलता है। काफ़ी अमेजिंग है ये फ़ोन, 15,000 में आप इसको ले सकते हो बेझिझक, क्योंकि बेझिझक कोई भी शक करने वाली बात नहीं, ये ले सकते हो। और जो हमारा नंबर 4 पोजीशन पर आता है वो है रेडमी नोट 6 प्रो। रेडमी नोट 5 प्रो जो फ़ोन था उसका ही सक्सेसर है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है उसके मामले में, क्योंकि लगभग फ़ोन सेम ही है और थोड़ा थोड़ा चेंज करके लॉन्च कर दिया था। बट इसका कैमरा काफ़ी अमेजिंग है, चार कैमरा मिल जाता है, पीछे दो सामने दो, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसको भी आप ले सकते हो। वैसे Redmi Note 6 Pro तो मिलता है 14,000 में, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और अगर हमारे थर्ड पोजिशन की बात करें, थर्ड नंबर की, तो रियलमी की तरफ से है रियलमी U1। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, फ्रंट कैमरा तो माशाल्लाह काफ़ी अमेजिंग है और ग्लास फिनिशिंग के साथ मिलता है, वाटर ड्रॉप डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छी है, डुअल कैमरा है 13+2 में पिक्सल, बट बैक कैमरा इतना अच्छा नहीं है, अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं है। और ये भी ले सकते हो आप थर्ड पोजिशन पर। काफ़ी अच्छा आर हीलियो P70 का प्रोसेसर मिलता है, पहला प्रोसेसर है P70 के साथ, ये भी आप ले सकते हो। और अगर पोजीशन 2 की बात करें तो पोजीशन 2 जाता है हमारे ही वही रियलमी की तरफ से, रियलमी 2 प्रो। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 660 है, 14,000 रुपये में स्नैपड्रैगन 660 है और वही रियलमी U1 जैसा ही डिज़ाइन, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा और बैक में 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा, काफ़ी अच्छी फ़ोन है लेने के लिए, आप ले सकते हो। और इसका भी प्राइस है 14,000 रुपये। अगर आप नंबर 1 पोजीशन की तरफ जाते हैं तो नंबर 1 पे है हमारा सबसे पहले, हमारा पहला प्यारा दुरारा Asus ZenFone Max Pro M2। काफ़ी अच्छा फ़ोन है Max Pro M2 और Gorilla Glass 6 मिलता है ऐसी 13,000 में, 3 और 32 GB का 13,000 और 664 का 15,000, 13,000 में मिलता है Gorilla Glass 6 और फ्रंट और रियर दोनों कैमरा के लिए ही EIS मिल जाता है, तो किसी ने भी नहीं दिया है ऐसी प्राइस में EIS दोनों कैमरा के लिए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ग्लास फिनिशिंग डुअल कैमरा क्या बताऊँ, ये तो एकदम, और स्नैपड्रैगन 660 मिलता है। और इस फ़ोन में डिज़ाइन के मामले में सामने नॉच दे रखा है, और नॉच दिया है ना, छोटा नॉच दिया है, बट छोटा नॉच होने के कारण भी LED नोटिफिकेशन लाइट और फ्रंट के लिए फ्लैश, ऐसा नॉच, छोटा नॉच और ऐसी सब कुछ ज़रूरतमंद चीज़ सब देता है यह फ़ोन, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। 13,000 और 15,000 दोनों में ही ले सकते हो। और रीज़न में जो बताने वाला था वो है कि आज भी लोग 11,000 दे के और Xiaomi का Redmi Y2 लेते हैं। मेरे सामने ही मेरा ही एक दोस्त लिया था, मैं मोबाइल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ, तो वो देखने के लिए मुझे बुलाया था, ये देख तो कितना कैसा है, मैंने बाय किया है 11,000 में। तो मैंने उसे बताया कि Asus ZenFone Max Pro M1 है 11,000, अब मिलता है 9,000 में सेल में, तो वो क्यों नहीं लिया, इससे फार बेटर है, फार बैटरी बोलो प्रोसेसर बोलो। और वो Y2 में क्या मिलता है प्रोसेसर, वही Redmi Note 4 वाला है, अब मैं तो नोट 4 यूज़ करता हूँ ना, तो मैं उनसे बताया कि ऐसी परफॉर्मेंस देगा, इससे बढ़िया नहीं देगा।
तो यही रीज़न है क्योंकि आज भी लोग फ़ोन को देखते नहीं हैं कुछ भी और ले लेते हैं। तो देख के लीजिए यार, यूट्यूबर का रिव्यू ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों फिलहाल भी इतने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं चला तो डिसलाइक करना। अगर मन में कोई सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट करना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जस्ट डॉन्ट टेक्निक को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बाय।